नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक के जितने भी छात्र हैं बहुत सारे मुद्दों को लेकर काफी परेशान है। कुछ छात्रों का मानना है कि रिजल्ट 50% आरक्षण पर आएगा, कुछ लोगों का मानना है कि 65% आरक्षण पर आएगा। महिलाओं को लेकर काफी उलझन है कि उनका रिजल्ट किस तरह से बनेगा, क्या 70% की जो बात कर रही है किया जा रहा है 1-5 में, क्या वो बनेगा भी या नहीं बनेगा। ऑफिशियली अभी तक कुछ आ नहीं रहा है। आज बीपीएससी की बड़े लेवल पे मीटिंग की गई थी, उसमें क्या कुछ हुआ सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ पटना के जाने माने शिक्षक रमांशु सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर बिहार शिक्षक में 4-5 मुद्दा ऐसे हैं जिसका किसी को न और पता चल रहा है न कोई छोर पता चल रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि रिजल्ट अगर आएगा कैसे आएगा, क्या 50% रिजल्ट आरक्षण पर आएगा या जो 65% वाला जो मुद्दा था उसको जिसको ठुकरा दिया गया उस पर जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक आएगा, रिजल्ट दिया कैसे जाएगा, कब तक रिजल्ट आने की संभावना है। देखिए 99.99% चांस है कि 50% वाले पे रिजल्ट दिया जाए। कारण क्या है कि ये मुद्दा जब हाई कोर्ट ने गया तो हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट भी सरकार गई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको आगे कंटिन्यू कर दिया, माने उसको वहीं पे रोक दिया। तो अगर किसी भी कारण से बीपीएससी उस पर जो है रिजल्ट देती है 65% वाले पे तो फिर हाई कोर्ट में केस चला जाएगा और पूरा का पूरा भर्ती रद्द हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में सरकार कोशिश यही करेगी कि 50% वाले पे ही वो रिजल्ट, मतलब 50% आरक्षण के साथ रिजल्ट जारी किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल यही होगा। सर एक चीज और कहा जा रहा है, 70% महिलाओं को 1-5 में रिजल्ट 70% महिलाओं का दिया जाएगा या 70% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं छात्र। क्या कुछ है 70%, बहुत सारे छात्र कंफ्यूजन में है, क्या कुछ है। देखिए 70% आरक्षण कहीं नहीं, तो आरक्षण तो होगा ही, होगा नहीं तो ये बात गलत है। चूंकि शिक्षा भर्ती में जो है महिलाओं को 50% का आरक्षण है तो 50% उनको आरक्षण मिलता है। लेकिन अब बात ये है कि बहुत सारी, जैसे क्या है ना कि कई लोग आरक्षण की मूल चीज को नहीं जानते। अगर हम आरक्षण की बात करें तो उसमें जो है जो जनरल लोग समझते हैं ना, जनरल कैटेगरी कोई नहीं होती बल्कि वो अनरिजर्व कैटेगरी होती है। अनरिजर्व का मतलब कि उसमें कोई भी शामिल हो सकता है। एक एससी का बच्चा जो पढ़ने में बहुत अच्छा है और उसके मेरिट में बहुत ऊपर नंबर है तो वो जो है एससी कैटेगरी में उसका रिजल्ट नहीं आता बल्कि जो है उसका अनरिजर्व में आता है। तो ऐसी वो जनरल का कट ऑफ पार हो गया तो अनरिजर्व कैटेगरी में आ सकता है। वो अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल का कैटेगरी नहीं है, वो अनरिजर्व का कैटेगरी है। अच्छा। लोग समझते हैं जनरल कास्ट के, जनरल कास्ट के लिए वो अनरिजर्व कैटेगरी है जो सबसे हाईएस्ट होती है। तो इसी तरह बहुत सारी ऐसी लड़कियां महिलाएं जो पढ़ने में बहुत अच्छी हैं तो उनका मेरिट जो है अनरिजर्व कैटेगरी में चला जाएगा। तो लगभग 5-10% तो ऐसी लड़कियां होंगी ही होंगी, महिलाएं होंगी ही होंगी, तो मान लीजिए 10% वहां चली गई वो, और 50% तो ऑलरेडी यहाँ पे मिल ही रहा है तो 60% उनका आरक्षण हो गया। प्लस इसके बाद जो कुछ हो रहा है कि कुछ और वैकेंसीज में जोड़ी जा रही हैं, बैकलॉग की कुछ वैकेंसी जोड़ी जा रही हैं, तो अगर वो वैकेंसी जोड़ेंगी तो 5-10% लड़कियां और उसमें बढ़ सकती, महिलाएं और बढ़ सकती हैं। तो टोटल देखा जाए तो लगभग 65-70% के बीच में जो है सीटें महिलाओं को जा रही ऐसा दिख रहा है 1-5 में। तो मुझे लगता है कि लगभग 65% के आसपास महिलाओं को सीट मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन इतना होने के बाद तो जो मेल छात्र हैं सर उनके साथ तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी। देखिए भारत में कभी भी किसी चीज को नाइंसाफी को जो है अलग नजरिए से देखा जाता है। सब जो है जो जैसा चश्मा लगाता है उसको वैसा दिखता है। अब कई लोग जो है इसको पुरानी व्यवस्था से जोड़ते हैं कि 70 साल देश को आजाद होने को हो गया लेकिन महिलाओं को अभी भी हर जगह भागीदारी नहीं मिली। कई लोग इसको प्राचीन काल से जोड़ देते हैं कि प्राचीन काल से भागीदारी नहीं मिली तो अब भागीदारी मिलनी चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में देखेंगे तो आपको लगेगा कि जेन्युइन है, लेकिन योग्यता क्षमता और बाकी चीजों में देखेंगे और जो लड़के बराबर मेहनत करके नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हैं उनकी नज़र में देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अन्याय दिखेगा। तो निश्चित रूप से अगर देखें तो लड़कों के लिए वो अन्याय है, लेकिन अगर 1-5 में महिलाएं जाती हैं तो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं है कि 1-5 तक के जो बच्चे होते हैं ना वो पुरुष बहुत आसानी से हैंडल नहीं कर पाता है लेकिन महिलाएं बहुत आसानी से हैंडल कर लेती है क्योंकि महिलाओं का वो नेचर होता है। बच्चों को कैसे मनाना आता है वो बाप को नहीं मालूम, माँ को मालूम होता है। और जो महिला टीचर होती है वो स्कूल में माँ के रूप में होती है, वो कभी बाप के, और टीचर बाप के रूप में होता है। लड़के देखिए टीचरों से बहुत डरते हैं, हम लोग बचपन में मैथ के टीचर, इंग्लिश के टीचर, पीटी के टीचर से डरते थे, इन मैडम से नहीं डरते थे, मैडम से हर बात खुल के कह देते थे। इसलिए अगर एक से पांच में महिलाओं को दिया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ उसके ऊपर महिलाओं को दिया जाए तो ये बहुत नुकसानदायक है। सर एक चीज और है,
जैसे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट तो चल ही रहा है, मुद्दा हमेशा से छात्र मांग कर रहे हैं इस बात का, डोमिसाइल का मांग बिहार के छात्र बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन 112 जो कॉलेजेज हैं सर, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 112 कॉलेज से जो भी लोग बीएड किए हुए हैं उनकी मान्यता सुनने में आ रहा है कि रद्द कर दी गई है 112 कॉलेज की मान्यता। तो क्या जिनका उन कॉलेज से रिजल्ट हो चुका है क्या उनका भी मान्यता समाप्त कर दिया जाएगा? जो लोग मतलब जॉब पा लिए हैं बीपीएससी शिक्षक में उनको भी निष्कासित किया जाएगा? क्या कुछ माजरा है सर उसका? देखिए दरअसल क्या है कि 112 संस्थानों का नाम दिया गया है जिनकी मान्यता को रद्द किया गया, और जब मान्यता रद्द किया गया है यानी कि उनको पहले जो डिग्री मिलेगी वो डिग्री भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि जब संस्था ही गलत है। अब लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसमें जो संस्थाएं हैं वो अधिकांश वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की, और जो है बिहार की 2-3 संस्थाएं, लेकिन और बाकी जगह की आपकी संस्थाएं कम मिलेंगी, और वहां पे यहां के बच्चे बंगाल जाके कम पढ़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। लेकिन ये जरूरी है कि अगर वहां की मान्यता रद्द की जाती है तो ये लोग ज्वाइन किए हैं जो कि बाकी सारी जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं उनके ज्वाइनिंग पे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव असर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। तो ये तो समस्या है। दूसरा आपने कहा वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, तो जो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की बात है ये सबके लिए बड़ा लाभप्रद होता है। लाभप्रद होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो है कैंडिडेट जो है एक कैंडिडेट 5 जगह सेलेक्ट हो जा रहा है, 4 जगह सेलेक्ट हो जा रहा है, तो ऐसे में क्या है कि अगर वो एक जगह लेता है तो बाकी 3 जगह खाली रह जाता है। लेकिन अगर वही उस पर ना हो तो कम से कम सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसे तो निकाला जाता है कि जो छोड़ दिया कम से कम उसमें शामिल हो जाए। अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट निकाल दिया जाए तो जो बाकी जो बच्चे हैं उनको भी जॉब मिल जाएगी, और जो सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को जॉब देना वो सपना भी साकार हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक लाभ सरकार उठाती है कि रिजल्ट दिखा देगी पूरा, ज्वाइनिंग दिखाई देगी पूरा, और फिर बाद में इसमें बहुत सारी सीटों को क्या कर दिया जाता है कि वैकेंट रह के अगले में जोड़ दिया जाता है, तो ये सारा का सारा काम होता है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर क्या कुछ बोलिएगा सर? बहुत सारे छात्र मांग भी कर रहे थे, हाई कोर्ट का फैसला भी इस पर आया था, क्या इस बार दिया जाएगा TRE 3.0? देखिए सप्लीमेंट्री की जो बात है वो बहुत ही सही है कि जो सीटें खाली रह जाती हैं उनको उसी एग्जाम के बच्चों से भर दिया जाए, इसलिए UPSC में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है। अभी हाई कोर्ट में आया था उसमें भी 10% का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है देने की बात कही गई थी, तो इसलिए इसमें BPSC TRE 3 में तो इनको कम से कम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। लेकिन सरकार इसमें चलाकी करती है ना कि इसमें जो सीटें बचेंगी उसको क्या करेगी, वो अगले में ट्रांसफर कर देगी, ये सारा काम। कब तक रिजल्ट आ सकता है सर? ये रिजल्ट तो मुझे लगता है कि अगस्त में अब तो फाइनल हो जाना चाहिए रिजल्ट। 15 अगस्त तक लोग बोल रहे हैं आंसर की आ सकता है, अगस्त 15 अगस्त तक आंसर की, और लगभग 30 के आसपास जो है अगर उसमें कोई समस्या बहुत ज्यादा नहीं हुई आंसरों को लेके तो 30 के आसपास रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है। जैसा कहा जा रहा है कि 70% महिलाएं हो जाएंगी 1-5 में, तो इससे कट ऑफ भी बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। 1-5 का प्रभावित होगा, लेकिन महिलाओं का कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं जाता है, इसलिए उनके जो है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जरूरी है कि पुरुषों का कट ऑफ पे तो बहुत फर्क पड़ेगा। लास्ट में जो TRE के छात्र हैं सर, TRE 4 की भी वैकेंसी सुनने में आ रहा है कि 1,60,000 के आसपास आने वाली है, उनको क्या कुछ बोलिएगा तैयारी को ले? बहुत सारे छात्र होंगे जिनका रिजल्ट होगा, बहुत सारे छात्र होंगे जिनका रिजल्ट नहीं हो पाएगा, क्या कुछ बोलिएगा? देखिए BPSC वाले तो TRE वाले तो बहुत भाग्यशाली हैं कि साल भर के अंदर 4th वैकेंसी आ रही है, वरना दुनिया क्या भारत में ऐसा कोई एग्जाम नहीं था जहां पे एक साल में 4 वैकेंसी आ जाए। तो अगर किसी कारण से कोई पहले दूसरे तीसरे में छट भी जाता है तो उसके पास मौका है, और 4th में निकाल के वो आराम से नौकरी पा सकता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग मेहनत को जारी रखें, और मुझे विश्वास है कि जो भी छूटे छटके भटके भूले हैं उनको जो है 4th में जरूर नौकरी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।